राजस्थान में इस बार अपनी अपनी सरकार बनाने की कोशिशों में जुटी भाजपा और कांग्रेस के नेता अब बेतुकी बयानबाजी करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। दोनों ही दलों की तरफ से धुआंधार प्रचार प्रसार किया जा रहा है, तो ऐसे में जुबान फिसलनी भी लाजमी है। सूबे के राजसमंद जिले में कांग्रेस नेता सीपी जोशी ने पार्टी का प्रचार प्रसार करने के दौरान भाजपा नेता उमा भारती के खिलाफ विवादित बयान देने के साथ साथ पीएम मोदी पर भी ये बातें बोल दी हैं। अरे यार बेटे, मैं मिसेमा के आदमी, उमा भारती की क्या जाते मालूम है किसी को? रितुमरा जी की क्या जाते मालूम है क्या? अरे इस देश में धर्म के बारे में कोई जानता है तो पंडित जानते हैं, विद्वान पंडित कौन कहते हैं, ब्राह्मण। ये अजीब देश हो गया। इस देश में उमा भारती धोती समाज की है, वो हिंदू धर्म की बात कर रही है। साध्वी जी किसी धर्म की, वो हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी किसी धर्म की, हिंदू की बात कर रहे हैं। ब्राह्मणों का काम नहीं, ब्राह्मण तो समझते नहीं। 50 साल में इनकी अकल बाहर निकल गई। खैर, अब देखते हैं कि सीपी जोशी के खिलाफ कांग्रेस क्या एक्शन लेती है, साथ ही भाजपा क्या पलटवार करती है। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।